अपोजिट साइड्स वो इक्वल गिवन है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम. तो गिवन क्या है इन, अच्छा इस चैप्टर के क्वेश्चंस में आपने एक ध्यान रखना है, जो चीज हमें प्रूव करनी है फिगर आप वही बना के चलो. अब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, तो फिगर आप क्या बनाओगे, पैरेललोग्राम. अब गिवन क्या है, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो गिवन में क्या क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, देन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू BC. To prove ABCD is a parallelogram, construction join A to C. आप चाहो तो इसको प्रूफ के अंदर भी लिख सकते हो, ये वाली लाइन को join A to C, अलग से construction ना लिख के प्रूफ में भी कर सकते हो. बी को डी से भी ज्वाइन कर सकते हो. अल्टीमेटली हमने क्या प्रूफ करना है, ये दो ट्राइंगल्स हम क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. और प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में हमने क्या किया हुआ है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे, तो उसका कन्वर्स लेके कि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है दैट विल बी अ पैरेललोग्राम. सो प्रूफ में कौन कौन सी ट्राइंगल्स लें, एबीसी एंड कल कुछ कंसेप्ट बताया था मैंने, ये ट्राइंगल हमने ले ली एबीसी. अब बी के अपोजिट एंगल, तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग सी, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग सी, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए, तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए. यही हैबिट डाल लो ताकि आगे चल के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए. तो ए बी सी और सी डी ए को हमने प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट. समझ आया कैसे आया, बी और डी, क्योंकि पैरेललोग्राम में हमें पता है ओपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम ऑलरेडी वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं. B के corresponding angle D आएगा, parallelogram जब हम इसको show करेंगे तो ये opposite angles equal होंगे. Then ये आपकी sides equal हैं, parallelogram में ये parallel होती हैं, तो ये और ये angles कौन से बनते हैं, alternate interior angles, तो angle A और C equal हो गए, तो A के corresponding C, C के corresponding A और B के corresponding D, ठीक है. अब इन triangles में इनको congruent prove करना है, क्या क्या लेके चलेंगे, चौक का कलर कोई और है, चलिए ये दो ट्राइंगल्स हैं अब हमारे पास, ये इरेज कर दूं, ऊपर लिख दूंगी मैं, ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन, सेकेंड गिवन एंड तो मैंने दोनों इकट्ठा ले यहां, ट्राइंगल एबीसी वाले सारे इधर लेंगे, लेफ्ट पे ले रहे हैं, और इधर सारे राइट पे ले रहे हैं एसीडी वाले. चलिए अब बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आल्सो यू कैन राइट डाउन, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीए, सो दिस इंप्लाइज एसी डिवाइड्स एबीसीडी इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स.
So using the properties of triangle, we can say ABCD is a parallelogram. Clear? अब इसी पे बेसिस बेस्ड हम क्या कह सकते हैं, ये ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी बाय सीपीसीटी. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल प्रूव हो जाएगा. देन सेम वे में ज्वाइनिंग बी डी, जब आप बी डी को ज्वाइन करोगे तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी आपका शो हो जाएगा. तो इट मीन्स व्हेनेवर यू आर गिवन अ पैरेललोग्राम द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो वो प्रूफ हम नहीं करेंगे, सिर्फ उसका रिजल्ट हमारा यूज होना है. तो नेक्स्ट थ्योरम जो है आपकी 8.4, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रूफ हो गया. इतना ही पूरा लेके पहले, बाय सीपीसीटी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो ऑपोजिट एंगल्स आपके प्रूव हो जाएंगे. बट ये प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ रिजल्ट हमने यूज करना है. थ्योरम 8.5, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल each pair of opposite angles is equal, then it is a parallelogram. A pair of opposite angles equal given. Quadrilateral means a pair of opposite angles equal given है, और कुछ नहीं given. हाँ, diagonal बना के कैसे? हमें क्या पता वो हाफ ही आ रहा है, हमने कहीं कोई प्रॉपर्टी एंगल बाय सेक्टर वाली नहीं पढ़ी. क्वाड्रिलेटरल में जरूरी नहीं है वो मिड पॉइंट सेम आएंगे आपके. क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल, देन क्या कहोगे? It is a parallelogram. Anji? अच्छा चलो, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल और ए डी सी एंड हाँ जी, अब क्या कह रहे हो आप? ए कैसे? ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, थर्ड कंडीशन. ऑपोजिट साइड्स कहाँ इक्वल गिवन है? हमें सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल गिवन. एंगल बी और डी गिवन है इक्वल, एसी एसी हो गया थर्ड कंडीशन. पैरेललोग्राम हमने प्रूव करना है बच्चे, इसको वो अगर लाइंस पैरेलल गिवन होती हैं देन ओनली वी यूज. बॉयज थोड़ा सा योगदान दे दिया करो, गर्ल्स ही बोलती रहती हैं.
ध्रुव बताएंगे कुछ अगर हम इनको ज्वाइन करें? क्यों? दिस इज नॉट गिवन, हमें सिर्फ ये गिवन है दैट एंगल्स जो है ऑपोजिट वो इक्वल, नथिंग एल्स वी आर गिवन. कैसे? वही तो, क्यों लें, क्यों लें? पैरेलल कहाँ गिवन है मुझे? ये वाला जो है यू विल प्रूव थ्रू एक्टिविटी, प्रूफ नहीं है इसका. इफ यू सी, आपने क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेना है. मतलब क्योंकि हमने उसको पैरेललोग्राम शो करना है तो हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे. इन चारों की लेंथ आप मेजर करोगे तो यू विल सी पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर. तो उसमें आपका क्या आएगा, ओ डी ओ बी के इक्वल, ओ सी ओ ए के इक्वल, एंड दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो एस से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला इक्वल, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो द लाइंस विल बी पैरेलल एंड इट इज अ पैरेललोग्राम. तो दिस विल बी प्रूव्ड थ्रू द एक्टिविटी. कौन सा? एस ए एस लगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ले लिए ना बीच में, वो मेजरमेंट से एक्टिविटी है एक्चुअल में, ये आपका प्रूफ नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. अगेन रिजल्ट इज टू बी यूज्ड. थ्योरम 8.7, इफ द डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम. सेम कंसेप्ट लगेगा, डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो एस ए एस से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, क्या शो कर रहे थे हम, देन इट इज अ पैरेललोग्राम. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, नहीं ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल, नहीं ये नहीं लिया हमने, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो इट इज अ पैरेललोग्राम. अब एग्जाम्पल वन देखो जो कल हमने किया था बेटे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ गए ये वाले, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई. वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल एंड पैरेलल होता है देन इट इज अ पैरेललोग्राम. अब एग्जाम्पल वन देखो, या फिर आप सिमिलरली करके शो कर सकते हो. सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल्स आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो ये पैरेलल टू दिस, जैसे मर्जी लिख लो. अदरवाइज ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि हमने इनको कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है. तो इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, दोनों अगर कंडीशंस हैं तो इट इज अ पैरेललोग्राम. एग्जाम्पल वन में शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल. ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल. रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. तो वन एंगल 90 है तो उसका ऑपोजिट एंगल विल ऑल्सो बी 90, तो एंगल बी 90 आ गया. उसके बाद यस, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, तो एक 90 है तो दूसरा भी 90 बन जाएगा. तीन एंगल्स 90 आ गए, ए के ऑपोजिट अगेन दैट विल बी इक्वल, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री ईच. सो इसका जो सॉल्यूशन है दैट यू कैन सी फ्रॉम द बुक. एग्जांपल्स जस्ट डिस्कस करेंगे. सेकंड है, शो दैट द डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच
अदर. अब डायगनल्स हमने प्रूव करने हैं रोम्बस के कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. हमने ये रोम्बस ड्रॉ कर लिया. क्या कंडीशन होती है रोम्बस की? एंड डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. अब यहां हमने शो क्या करना है, दैट द डायगनल्स बाय आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो बाकी वाली प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे. अब ये एंगल 90 प्रूव करना है, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, बट दीज आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, तो वहां से हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा. ठीक है, अब इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करना है. ट्राइंगल ए ओ डी एंड ए ओ बी, रोम्बस में इक्वल होते हैं. ए डी इक्वल टू ए बी, साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल. यस, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी वाई. ओ डी इक्वल टू ओ बी, 90 डिग्री प्रूव करने हैं. डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट थर्ड कंडीशन, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन. सो बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए ओ डी या is congruent to triangle AOB. अब triangles congruent हैं तो by CPCT. अभी each 90 नहीं लिखना, अभी सिर्फ हमने इनको equal prove की है. ठीक है, but these are forming a linear pair. So this is clear to you now. I'm using one. So twice of angle AOB 180, यानी कि angle AOB 90 degree. अब AOB 90 है तो दूसरा भी 90 आ जाएगा. It means diagonals of a rhombus bisect each other. Now the next one. Example 3. ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. AD bisects the exterior angle PAC and CD is parallel to AB. Show that angle DAC is equal to angle BCA and ABCD is a parallelogram. So, सबसे पहले हमें क्या given है? एक isosceles triangle given है ABC. तो जो जो स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है अकॉर्डिंगली हमने फिगर ड्रॉ कर लेनी है इफ द फिगर इज नॉट गिवन. फोर एग्जांपल थ्री है. सो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए एंड द ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल अगर जरूरत पड़ी तो. Then AD bisects exterior angle PAC. तो exterior angle A वाले point पे है, ये हमने point P ले लिया. PAC को AD जो है वो bisect कर रहा है such that कि जो CD है that is parallel to AB. ये दोनों lines आपस में parallel हैं. अब show करना है angle DAC is equal to angle BCA. एंगल डी ए सी ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला. ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल शो कर देते हैं, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो सेकेंड पार्ट ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए सी ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा? क्या
आपने मुझे कहा ये दोनों पैरेलल हैं और ए सी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो, और आप कर क्या रहे हो पहले तो ये बताओ मुझे। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। चलो क्या करें फिर, ए सी कॉमन हो गया और बी ए सी, यही रेस कर रही हूं मैं जो प्रूव करना है। हाँ, ये और ये कौन से एंगल्स हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एक ही हो गया ये आपका कॉमन, एक हो गया ये, ए सी ए सी कॉमन भी ले लिया और ए बी इक्वल टू ए सी भी ले लिया। आपको क्या गिवन है? ए डी बाइसेक्ट्स द एक्सटीरियर एंगल, बिल्कुल ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का सम, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये वाला पूरा एंगल आपका इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब ये दोनों इक्वल है, इधर से ये दोनों इक्वल है, तो दोनों के हाफ जब आप लोगे तो ये एंगल इज इक्वल टू ये आपका प्रूव हो जाएगा। तो ए एस ए से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे यहाँ पे? ए बी पहले इसको लिख लो, ए बी पैरेलल सी डी, ए सी इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद हमें गिवन था ए बी इक्वल टू ए सी, तो दिस इंप्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। देन थर्ड कंडीशन है ए डी बाइसेक्ट्स एंगल पी ए सी, देयरफोर यहाँ ले लो इसको, इतने पार्ट को ले लो थ्री और इसको ले लो फोर, देयरफोर एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। अब इन ट्राइंगल ए बी सी एक्सटीरियर एंगल पी ए सी is equal to angle B plus angle C. ये स्टेप समझ आए? अब क्या करेंगे? एक्सटीरियर एंगल पी ए सी किसके इक्वल है? थ्री प्लस फोर के, और B प्लस सी ये एज इट इज लो। अब थ्री इक्वल टू फोर, दिस इज थ्री, तो यूजिंग थ्री यहां मैंने क्या किया, इसको ट्वाइस थ्री को फोर से रिप्लेस किया। यहां ये ध्यान रखना है फोर और सी रखना है मुझे, बाकी रिमूव करते हैं। तो थ्री को मैंने रिप्लेस कर दिया फोर से, और इधर बी को किससे रिप्लेस कर दोगे? सी से। तो ट्वाइस ऑफ एंगल फोर ट्वाइस ऑफ एंगल सी, यानी कि एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल सी, इसको इक्वेशन ले लो फोर, ठीक है, क्लियर। अब इन ट्राइंगल, अब दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो इन ट्राइंगल कौन कौन सी सीक्वेंस बताओ? ए बी सी एंड, अब देखो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा सी, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा डी, चलो क्या करें अब? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या क्या रिजल्ट्स उठाने हैं? अब हमने सब रिजल्ट्स हमने ले लिए, अब जस्ट वी आर टू पुट द रिजल्ट्स एंड प्रूव इट टू बी कॉन्ग्रुएंट। एंगल वन इक्वल टू एंगल टू यूजिंग वन, ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन, एंगल फोर सी इज इक्वल टू एंगल फोर, using 5 4, so by ASA congruency
इस साइड लिख दूं, बाय ए से कॉन्ग्रुएंट सी, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. बी ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए. अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई. प्रूफ क्या करना था हमने, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, ये हम यहां कर चुके हैं, यहां लिख देना बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, पार्ट वन प्रूफ. यहां लिख देना पार्ट वन प्रूफ. ठीक है, अब ये हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो क्या होगा, बाय सीपीसीटी एक बात बताओ मुझे, इज देयर एनी नीड टू प्रूव द ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट और वी कैन प्रूव इट डायरेक्टली टू बी अ पैरेललोग्राम? डायरेक्टली कर सकते हो आप इसको, तो ये वाला पार्ट स्किप कर दो, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाने नहीं है हमने, इसको स्किप कर दो. तो ऑलरेडी वी कैन प्रूव दिस टू बी अ पैरेललोग्राम. हमें सी डी पैरेलल ए बी गिवन है, हमने यहाँ एंगल फोर इक्वल टू एंगल सी शो कर दिया यहाँ पे, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. कौन से पेयर के लिए, एंगल फोर और सी कौन से पेयर के लिए, ए डी एंड बी सी के लिए. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ए डी इज पैरेलल टू बी सी. अब अगर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो इट इज फॉर्मिंग अ पैरेललोग्राम. सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. सो दिस पार्ट यू नीड नॉट प्रूफ, ये वाला स्किप कर दो, इसके बाद डायरेक्ट आपने ये वाला करना. पीछे से बेंचेस, अगर बोर्ड विजिबल नहीं है आगे आ सकते हो आप. If any doubt is there, you can ask. Bell 10:45 है, 50 पे. 1 minute is left. Homework में example 4 and 5 and example 5th is very important. ये बहुत बार question paper में आया हुआ है. Example 5. पेज नंबर 144, एग्जाम्पल 5, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये दोनों आपने